अगर आप भी अभी बिहार बोर्ड के इंटर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से जो है इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है वो चालू होने वाला है। तो आज हम आपको इस वीडियो में जो है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को बताएंगे, जो कि देखिए मेरे पास एक एडमिट कार्ड है जो कि आप देख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी मेरे पास 2022 का एक एडमिट कार्ड है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की तिथि क्या है। तो एग्ज़ाम का डेट कोई फिक्स नहीं है, बल्कि एक जो है अंतराल दिया हुआ है, यानी 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कभी भी हो जाएगा। तो वो कब होगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, जब नीचे नोटिस पढ़ेंगे ना इम्पोर्टेंट नोटिस, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नीचे देखिए, एक नोटिस दिया हुआ है, परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं नंबर एक में, देखिए नंबर एक में प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 10 से 20 तक संचालित होगी। केंद्राधीक्षक दिनांक 10 से 20 तक की अवधि में परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार तिथि एवं पाली का निर्धारण करके प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर आवंटित सभी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा लेंगे। यानी ये वही टाइम बताया कि 10 से 20 तारीख के बीच में किसी दिन भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो वो कब एग्ज़ाम लेंगे ये देखिए, ये दूसरे नंबर में आपको पता चलेगा। परीक्षार्थी अपने इस प्रवेश पत्र में उल्लिखित प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों पर दिनांक, यानी 10 तारीख को आपको सुबह 9 बजे स्कूल में जाना है, वहाँ आपको एक नोटिस चिपकाया हुआ होगा और उसमें बताया हुआ होगा कि इतना से इतना रोल नंबर का इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इस दिन इस समय होगा। तो आज आपको जो है स्कूल में सुबह 9 बजे से पहले अनिवार्य रूप से जाकर आपको देख लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका एग्ज़ाम आज ही हो सकता है कल हो, या हो सकता है 20 तारीख को। अब नंबर तीन, परीक्षार्थी के प्रत्येक प्रायोगिक विषय की परीक्षा के लिए 8 पृष्ठों की केवल एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेते ही आप यह सुनिश्चित कर लें कि इसमें 8 पृष्ठ है, यानी आपको जो कॉपी मिलेगा ना उसमें 8 पेज रहेगा, तो आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर कम रहे तो बाद में आपको नहीं मिलेगा, उसी टाइम आपको चेंज किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं नंबर 4, देखिए उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते हुए परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित विवरणों का मिलान करने और यह सुनिश्चित करने कि जो उत्तर पुस्तिका उनके द्वारा दी गई है वह उन्हीं की है, ठीक है। यानी जब आपको मिलेगा ना तो आपको प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और उत्तर पुस्तिका में अगर कुछ है, अगर वहाँ पे नंबर वगैरह मिलाने का हो तो उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। नंबर 5, उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी उनके आवरण पृष्ठ के पीछे अंकित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पर हैं, यानी जैसे इसमें निर्देश दिया हुआ है उससे उसमें भी कुछ निर्देश दिया होगा, उन्हें भी आपको जरूरी से पढ़ना है। अब आगे चलते हैं नंबर 6, परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के ऊपर बाएं और दाएं भाग में क्रमांक 1 में अपने उत्तर का माध्यम अंकित करते हुए क्रमांक 2 में अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करें। इसके अलावा अन्य मुद्रित विवरणों में किसी भी प्रकार में कोई छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक है। यानी आपको जो है ना उसमें दो ही चीज़ करना है, एक आपको क्रमांक 1 में आपको उत्तर का माध्यम लिखना है यानी हिंदी या इंग्लिश, और क्रमांक 2 में आपको अपना पूरा सिग्नेचर करना है। अब चलते हैं नंबर 7 में, प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निचले बाएं एवं दाएं भागों को परीक्षार्थी द्वारा कदापि नहीं भरा जाएगा। अगर परीक्षार्थी इस भाग को भरते हैं तो परीक्षार्थी का इस विषय में परीक्षा पर रद्द किया जा सकता है। ये दोनों भाग आंतरिक या बाह्य परीक्षक को भरने के लिए दिया गया, यानी नीचे आपको आवरण पृष्ठ के नीचे बायां और दायां में जो जगह है उसको छोड़ देना है, अगर आप उसको भरते हैं तो आपका परीक्षा फल जो है वो कैंसिल कर देगा।
उत्तर पुस्तिका के पत्रों के दोनों पृष्ठों पर तथा प्रत्येक डायल पर लिखे, यानी आपको दोनों पेज में लिखना है, ठीक है, और प्रत्येक डायल में लिखना है, यानी डायल को बर्बाद नहीं करना है बीच बीच में। यदि रफ कार्य करने को आवश्यक हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर कार्य करके उसे काट दें, यानी आपको अगर रफ करना है तो सबसे अंतिम पेज में जाइए, उसको लिखिए, और जब अंतिम में जब हो जाए आपका तो उसको क्रॉस का साइन कर देना है। उत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठों पर दाहिने आईसीए में लाइन खींचकर सदा स्थान छोड़ रखा गया है, शेष स्थान रूल्ड है, परीक्षार्थी दाहिने आईसीए के सदा स्थान में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह भाग परीक्षक के उपयोग के लिए, यानी आपका जो है ना दाहिने भाग में भी कुछ लाइन दिया हुआ होगा तो आपको उसमें नहीं लिखना है। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को मोरे फारे नहीं, यानी आपको उसे मोरना नहीं है, जैसे आपको मिले उसी तरह से आपको वापस कर देना है, और बीच बीच में जगह को बर्बाद नहीं करना है। प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या लिखें, आपको प्रश्न नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न का नंबर और उसका उत्तर लिखना है। वाइटनर ब्लेड और नाखून का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रश्नोत्तर के समाप्त होने पर अंतिम में एक नीचे क्षैतिज रेखा खींच दीजिए, जैसे देखिए ये रेखा है ना खत्म हो तो आपको ऐसे एक क्षैतिज रेखा खींच देना है। आंतरिक परीक्षा फल द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थी द्वारा यथा स्तंभ परीक्षा की तिथि अंकित करते हुए उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या लिखकर अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। परीक्षार्थी की उपस्थित अनुपस्थित एवं निष्कासन से संबंधित संगत गोले को नीले या काले पेन से परीक्षक द्वारा भरा जाएगा, ना कि परीक्षार्थी द्वारा, यानी जो है ना आपको इसमें जो भी भरना है वो सभी परीक्षार्थी द्वारा नहीं भरा जाएगा, जो आपका चेक करने वाला है वो भरेगा। आपको सिर्फ क्या भरना है बताए थे ना ऊपर में, एक आपको हिंदी या अंग्रेजी भरना है आपको, ठीक है, माध्यम, और दूसरा आपको सिग्नेचर करना है, बाकी जो भी होगा वो आपके टीचर वहाँ पे बताएंगे। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका को आंतरिक परीक्षक के पास जमा किए बिना परीक्षा भवन ना छोड़े, जब तक जमा ना हो जाए तब तक आपको अपना परीक्षा भवन नहीं छोड़ना। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, यानी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है। उसके बाद अगर आपने अभी तक बीच में जो परीक्षा हुआ था वो नहीं दिया है तो आपको सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। और इन सभी बातों के अलावा एक और अभी इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आ रही है कि अगर आपका 15+ साल है तो आपको वैक्सीन अनिवार्य है, तो आप जरूर अपने बगल में जहाँ भी वैक्सीन मिल रहा हो तो वैक्सीन ले ले, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और एक ज़रूरी बात कि आज आप 9 बजे से पहले जा कर के अपने स्कूल में ये ज़रूर देख लें कि आपका एग्ज़ाम किस दिनांक को किस समय होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।